जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जीके कंटिन्यू करने वाले हैं। जीके के दो सेट आ चुके हैं, वो आपने देख भी लिया है, और हिंदी का सेट जो है पूरा कर दिया गया। 15 का 15 सेट हिंदी का पूरा हो चुका है। जीके के दो सेट हो चुके हैं, आज ये आपका तीसरा सेट है। और जीके के साथ साथ मैं आपको रीजनिंग की भी क्लास देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी एग्जाम की तैयारी इस चैनल से हो जाएगी, तो बने रहिए और अपने दोस्तों के बीच से शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रश्नों की संख्या जो होगी 20 होगी और दोनों लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न 21, क्या दिया गया है। इन द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज द टेलीग्राफ एंड रेल सर्विस स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय पर तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी। देखिए, रेल पे आधारित एक प्रश्न पहले आ चुका है। देखिए, रेल की जो सर्विस शुरुआत की गई थी वह की गई थी 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेल चलाई गई थी और बॉम्बे से लेकर थाने तक चली थी 34 किलोमीटर, ये पता है आपको। और तार की सेवा जो है 1854 में शुरुआत किया गया था। तो ये समय काल किसका था, 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल कौन थे बताइए, इन चार में से। वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये थे आपके गवर्नर जनरल। तो ये कार्य किसके समय में हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ ना। तो लॉर्ड डलहौजी देखिए कहां दिया गया है, आपके बी में है ना, लॉर्ड डलहौजी। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपको, 21 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया डाउट, समझ में आ गया। इस प्रकार से आपको प्रश्न को समझना है और एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न मिले तो उसे देखते ही टिक कर देना है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपको दिया गया है, वेयर डिड स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश द फर्स्ट आर्य समाज इन 1875 AD। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। ये कहां की थी, देखिए 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। बंबई में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय जो पहला बना वह बंबई बना था। बाद में 1877 में इसका मुख्यालय शिफ्ट हुआ और मुख्यालय जो है लाहौर बना दिया गया था, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका ए हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो आर्य समाज की स्थापना की गई उसका मेन उद्देश्य क्या था, उसने किस आंदोलन को चलाया था। तो उसने शुद्धि आंदोलन को चलाया था और यह दयानंद सरस्वती के सर्वेक्षण या फिर आप नेतृत्व कह सकते हैं उसमें चलाया गया था, ठीक है। तो उत्तर आपका मिल गया 22 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, बंबई, समझ गए यहां तक। चलिए आगे बढ़े। अगला आपको दिया गया है, विच कंट्री इज द फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन इन द ईयर ऑफ 2022। वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप चैंपियन कौन सा देश है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, मोरक्को, बताइए क्या होगा उत्तर। उत्तर आपका हो जाएगा अर्जेंटीना, ठीक है। यहां पर बी में दिया गया है, अर्जेंटीना ने अपने विपक्षी जो कि फ्रांस था, ठीक है, फ्रांस को 4-2 से हराया, तो विनर ये हो गया, ठीक है। और रनर अप पे फ्रांस रहे तो ये सेकेंड विजेता या रनर अप कह सकते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर 23 का बी हो जाएगा, समझ में आ गया यहां तक। चलिए आगे बढ़े। अगला देख लीजिए, 24 दिया गया है, रिएक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर व्हाट। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। तो देखिए, हम लोग जो भूकंप की तीव्रता मापते हैं वह गणितीय पैमाने में मापते हैं, तो इस पैमाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह है आपका रिएक्टर स्केल, ठीक है, भूकंप के तीव्रता को मापने के लिए, भूकंप के झटके को मापने के लिए। तो देखिए, ये चीज आपको यहां पर दिया गया है सी में, अर्थक्विक टर्मस, ठीक है, भूकंप के झटके। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 24 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 25 दिया गया है, ड्राई आइस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है। देखिए, शुष्क बर्फ जो है यह आपके कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, CO2 गैस का ठोस रूप है, ठीक है। तो उत्तर आपको मिल गया, कहां दिया गया है आपके, ए में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 25 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। तो आगे बढ़े हैं। अब देखिए 26 आपका दिया गया है, बलबन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच सुल्तान बिफोर टेकिंग ओवर द सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले
बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो देखिए, यदि बलबन की बात आती है तो उसमें आपके चले आते हैं नसरुद्दीन। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को प्रधानमंत्री बना रखा था और उसको एक उपाधि भी दी थी। क्या उपाधि दी थी? उलूक की उपाधि दी थी, उलूक। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि यहां पर आपके ए में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर आपका हो गया 26 का ए। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 27 आपको दिया गया है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो देखिए, ये जो मेजबानी की जा रही है, यह भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम और आप कह सकते हो राउरकेला के बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में किया जा रहा है। तो ये कहाँ है? ये आपके ओडिशा में है और ओडिशा देखिए यहाँ पर आपके ए में दिया गया है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कब से कब तक होगा? तो यह आपका 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2023 में होने वाला है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? उत्तर आपका हो जाएगा 27 का ए। अच्छा ये बताओ इसका कौन सा संस्करण होने वाला है, कितनी बार होगा? तो यह 15वीं बार होगा, 15th। ठीक है, 15th FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में होगा और किस राज्य में होगा? तो ओडिशा में होगा। कौन से स्टेडियम में होगा? तो भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम एवं राउरकेला के बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में होगा। समझ गए यहां तक? क्लियर पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़े। 28 आपको दिया गया है, इन विच यूनिट्स कैन वी मेजर फूड एनर्जी, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा जो है वह कैलोरी में मेजर किया जाता है। ठीक है, और यदि मैं आइडियल कैलोरीज की बात करूं कि एक दिन में एक मनुष्य को कितनी कैलोरी की जरूरत होती है, तो यहां पर मेन के लिए, ठीक है, पुरुष के लिए, पुरुष की बात की जाए तो 2000 कैलोरी से लेकर 3000 कैलोरी की जरूरत पड़ जाती है एक दिन में। वहीं पर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को आपको 1600 से लेकर 2400 कैलोरी की जरूरत पड़ती है एक दिन में। ठीक है, यह किस पर डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है उनके हाइट, साइज, वेट, इन सब चीजों पे। ये एक आइडियल मेजरमेंट है, आदर्श मापक माना गया है कैलोरी का एक मनुष्य के लिए, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, इस चीज को आप जान लीजिए। तो उत्तर क्या हो गया? उत्तर आपका 28 का ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 29 दिया गया है, ट्राइची वॉज इंप्लीमेंटेड बाय विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ट्राइची मतलब द्वैध शासन, द्वैध शासन कहने का मतलब ही यहां पर चला आता है दो शासक। ठीक है, अब दो शासक किसी भी राज्य में जहां दो शासक राज्य करते हैं वहां का जो शासनकाल होता है वह द्वैध शासक कहलाता है। तो द्वैध शासक किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था यह आपको बताना है। तो देखिए, जब द्वैध शासन की बात आती है तो सबसे पहले यह सिद्धांत जो था, एक अंग्रेजी व्यक्ति थे, नाम था लियोनेल कार्टिस। इसने अपनी पुस्तक में इसकी चर्चा की थी और उसके पुस्तक का नाम है डाइकी। ठीक है, डाइकी में इन्होंने चर्चा की थी। लेकिन इंडिया में जो लाया गया वह 1919 के एक्ट में लाया गया। ठीक है, 1919 के एक्ट में लाया गया, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत, और उसके बाद भारत के सभी प्रांतों में यह लागू किया गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 29 का बी हो जाएगा। यदि हम एक उदाहरण ले लें इसका, तो उदाहरण में जैसे आप देख सकते हो बिहार हो गया, बंगाल हो गया और ओडिशा हो गया। तो 1765 में, सर्वप्रथम 1765 में यदि इस समय की बात करें तो क्या होता था कि भू राजस्व कर जो था वेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी, लेकिन शासन प्रशासनिक बागडोर की बात की जाए तो बंगाल के नवाब के हाथ में था। ठीक है, तो उस समय भी द्वैध शासन था, लेकिन एस्टेब्लिश जो है सही तरीके से रूल बनाकर वह किया गया 1919 में। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 29 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 30 दिया गया है, फारसी ग्रंथ आईनी अकबरी किसकी रचना थी? हु कंपोज द फारसी टेक्स्ट आईनी अकबरी। आईनी अकबरी जो है इसमें अकबर के बारे में बताया गया है और ये जो है अकबर के नवरत्न अबुल फजल, आप जानते होंगे इन्हें, इन्होंने इसकी रचना की थी और यह 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। आईनी अकबरी 16वीं शताब्दी में, यदि हम स्पेसिफिक साल ले लें तो 1591 से लेकर 1598 के बीच में यह पुस्तक लिखी गई थी और फारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है,
उत्तर क्या हो जाएगा? अबुल फजल, जो कि सी में दिया गया है, तो 30 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी यहाँ पर डले पड़े हैं, एक बार मैं उनकी चर्चा कर देता हूँ। चलिए एक झलक मैं आपको प्रीवियस ईयर के वीडियोस का दिखा देता हूँ। ये रहे आपके प्रीवियस ईयर के वीडियोस, इसमें आप देख सकते हैं ये आपके 2011, 2012, 2013, 2015, ठीक है, और फिर हिस्ट्री के क्लासेस जो तिवारी सर के द्वारा दिए गए थे, ज्योग्राफी के क्लासेस जो तिवारी सर के द्वारा दिए गए थे, वो सभी इस प्लेलिस्ट में ऐड है। तो यदि आप इस प्लेलिस्ट को देखते हैं तो बहुत सारा फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो 15 सेट देखने के साथ साथ इन्हें भी देखिए, 100% गारंटी है आपकी जॉब की। ठीक है, जी के सेक्शन से आपको भी परेशान नहीं होगे। ओके चलिए आगे बढ़े आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दिया गया है, हु मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीति मतलब पैसे से जुड़ी सारी नीतियां। तो यह जो है आरबीआई एक्ट 1934, इसके द्वारा आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है, और यह आरबीआई एक्ट 1934 में वर्णित किया गया है। क्या वर्णित किया गया है? कि आरबीआई के माध्यम से जो भी विकास होगा उसको ध्यान में रखते हुए और बाजार की स्थिरता को बनाए रखने में जो भी नियम बनाने हैं, ठीक है, वह हक आरबीआई को दिया जाता है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि यहां पर देखिए सी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़े, अब देख लीजिए 32 दिया गया है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ जेट इंजन वर्क, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए जेट इंजन जो है वह आपके प्रणोदन, जब वो प्रणोद करता है तो उसके उस प्रणोदन से क्या होता है, वह आगे की तरफ भागता है। यह आपने पढ़ा होगा न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये रूल फॉलो करता है, लेकिन ये यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। तो क्या होगा इसमें? तो यहाँ पर मोमेंटम संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिया गया है, और संवेग संरक्षण में रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिया गया है। इसके अनुसार क्या है? PI इक्वल्स टू PF, मतलब किसी भी पिंड या निकाय पर कार्य करने वाला कुल बाह्य बल शून्य है तो निकाय का संवेग जो होगा वह स्थिर रहेगा। और यहां पर निकाय क्या है? जेट इंजन। यदि जेट इंजन पे जो बाह्य बल कार्य कर रहा है वह शून्य है तो फिर निकाय का जो संवेग है वह स्थिर रहता है और जेट इंजन कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए ये कहां दिया गया है? ये आपके सी में दिया गया है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 32 का सी हो जाएगा। समझ गए यहां तक? 33 आपको दिया गया है, हु वाज द सुल्तान हु कॉल्ड हिमसेल्फ सेकंड अलेक्जेंडर, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? देखिए सिकंदर तो विश्व विजेता थे, लेकिन इन्हीं का एक सपना किसी और राजा ने पाल रखा था। उस राजा का नाम क्या है? उस राजा का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रण बनाया था कि वह विश्व को विजय करेगा, इसलिए उन्होंने खुद को सिकंदर ए शाही, ठीक है, सिकंदर ए शाही या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी थी, खुद को दी थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 33 का बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे वह बाजार नियंत्रण में बहुत ही माहिर थे और इसके लिए प्रसिद्ध भी थे। तो यहां पर 33 का उत्तर जो है आपका बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 आपको दिया गया है, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर्स, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखिए यह जो किया गया था वह किया गया था 61वें संविधान संशोधन, जो कि 1988-89, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। और ये देखिए वोटिंग की जो प्रक्रिया है यह आपको किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 326 में, ठीक है, अनुच्छेद 326 के अनुसार क्या है? राज्यसभा एवं लोकसभा यदि इनका चुनाव होता है तो इनमें वोट देने का अधिकार किसको है? जो वयस्क होंगे, ठीक है, वयस्क मताधिकार दिया जाता है। तो पहले वयस्क जो है 21 माना जाता था, लेकिन आजकल क्या है, आज के युवा साक्षर और प्रबुद्ध हैं, इसलिए यह आयु घटकर 18 वर्ष हो गई। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 34 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़े। 35 आपको दिया गया है, इफ क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क देन द डेंसिटी ऑफ मिल्क, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? देखिए
दूध जो है भारी है किससे, पानी से। क्रीम जो है हल्का है किससे, पानी से। तो क्रीम तैरता है और दूध डूब जाता है, मिक्स हो जाता है ना। तो यहां पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यदि हम बातचीत करें कि पर लीटर बातचीत की जाए, तो जो दूध होता है क्रीम के साथ उसका घनत्व 1.024 ग्राम पर लीटर हो जाता है। वहीं पर सिर्फ दूध मलाई निकाल दिया जाए तो 1.036 ग्राम पर लीटर हो जाता है, मलाई अलग करके, और ये मलाई के साथ है। तो यहां पर ये बढ़ रहा है ना मलाई अलग करने पर। अच्छा, मलाई का कितना है, तो मलाई का है 0.968 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये इसका घनत्व है। तीनों घनत्व पता चल गया आपको। यह आपका है दूध प्लस मलाई, ये है सिर्फ दूध का, सिर्फ दूध मलाई अलग हो गया, और ये सिर्फ मलाई का ये घनत्व है। तो आपको समझ में आ रहा है, ज्यादा हो रहा है ना इंक्रीज, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, 35 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 36 दिया गया है, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल हुज स्टेटमेंट इज दिस। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसने दिया। तो देखिए यह जो कथन है यह आपके यूएसए के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 36 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। यह 16th प्रेसिडेंट थे कहां के, यूएसए के। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 37 दिया गया है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द सैटेलाइट लॉन्च सेंटर लोकेटेड। निम्नलिखित किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। देखिए इसरो को आप जानते हो, ISRO, आई फॉर इंडियन, एस फॉर स्पेस, आर फॉर रिसर्च, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये कहां अवस्थित है, ये आपके श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका 37 का उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़े, 38 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज लोकेटेड एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो देखिए जब भी पृथ्वी से निकटतम दूरी की बात की जाए तो आपका आता है शुक्र। इसे हम भोर का तारा, श्यांग का तारा भी कहते हैं, इसे पृथ्वी का बहन भी कहते हैं, यह सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 38 का ए हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 39 दिया गया है, व्हाट डज सीएडी स्टैंड फॉर। सीएडी किसका सूचक है। तो देखिए सीएडी जो है यह एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि 2D और 3D इमेजेस बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और ये आपको दिया गया है डी में, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 39 का उत्तर आपका डी हो गया। समझ गए, क्लियर यहां तक। चलिए ये रहा आपका आखिरी प्रश्न, क्या दिया गया है, वैक्सीन इज नॉट गिवन टू प्रिवेंट, टीका किसके रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है। तो देखिए यहां पर जो चार ऑप्शन है उन ऑप्शन में से पोलियो का टीका है, टीवी का टीका है, टीवी है ये, टीवी का टीका है। ठीक है, उसके बाद आपका चेचक का टीका है, लेकिन कैंसर का आज तक कोई टीका नहीं आया। कैंसर जो है कीमियोथेरेपी के द्वारा दूर किया जाता है, कीमोथेरेपी के द्वारा यह दूर किया जाता है। ठीक है, तो आज तक इसका कोई भी वैक्सीन नहीं निकला है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 40 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अच्छा ये बताइए वैक्सीन के जन्मदाता कौन है, तो वैक्सीन के जन्मदाता जो है वह एडवर्ड जेनर है। ठीक है, तो 20 के 20 प्रश्न मैंने बता दिए, अब बारी है आपकी, आप इस प्रश्न का उत्तर दोगे। प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न आपका हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, चार में से एक ऑप्शन सही है, और ये मैंने आपको आखिरी वीडियो जीके की जो दूसरी वीडियो आई है उसमें चर्चा की गई है, तो आप वहां से देखकर भी बता सकते हो। यदि नहीं पता है तो, यदि पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच से शेयर भी कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979946092 पे। मॉक टेस्ट का लिंक, पीडीएफ का लिंक
ये सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, तो इनके लिए आप हमें मैसेज ना करें। बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि मैं आपके लिए कर सकता हूं तो आप जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।